सोलन की तहसील जहां लोग दूर दूर से राजस्व से जुड़ा कार्य करवाने और जरूरी सर्टिफिकेट बनाने पहुंचते हैं, लेकिन आजकल ये तहसील लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है, क्योंकि यहां लोग अपने जरूरी कार्य करवाने तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके कार्य करने वाला ना यहां कर्मचारी है और ना ही अधिकारी, मात्र एक तहसीलदार और एक सहायक कर्मी ही पूरी तहसील का जिम्मा संभाले हुए है। इन दोनों को फील्ड का काम भी संभालना पड़ रहा है। जब ये बाहर होते हैं तो तहसील बिल्कुल खाली पड़ जाती है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिला प्रशासन और सरकार मानो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हुई है। तहसील में मौजूद लोगों ने जिला प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई है कि सोलन की तहसील में जल्द से जल्द कर्मचारियों का प्रावधान करें, क्योंकि दो व्यक्तियों के सहारे तहसील नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि लोग दूर दूर से राजस्व और सर्टिफिकेट बनाने तहसील पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें जब यहां पहुंचकर कोई कर्मचारी और अधिकारी नहीं मिलता तो बेहद हताशा हाथ लगती है। पर मुझे इस बात का खेद है कि यहां 8 महीने से ना आरसी है, ना WBN है और ना ऑफिस का अनुभव। पूरी तहसील खाली है, दो आदमियों के ऊपर पूरी तहसील डिपेंड करती है, तो कैसे काम चलेगा इस? ये तो सरकार का प्रशासन का है कि यहाँ पर जो सारी सीटें हैं उसे फिलअप करें, जो लोग सफ़र न करें। लोगों के बुरे हाल हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं मुख्यमंत्री से ये चाहता हूँ कि सोलन डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी सीटें हैं उसको फिलअप करने की कोशिश करें। यही रजिस्ट्री में कईयों को रजिस्ट्री में परेशानी, यही बच्चे इतने दूर दूर से उसके लिए आए हैं यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट के लिए, उसके लिए परेशानी। अभी बेचारे तहसीलदार साहब बैठे, नायब तहसीलदार, अब वो कर रहे हैं। मैं तो शुक्रवार को भी आई थी, शुक्रवार को नहीं बैठे थे तहसीलदार साहब, नहीं बैठे थे। नायब साहब के पास रश बहुत था, आज भी तहसीलदार साहब नहीं बैठे। आपको बता दें कि सोलन तहसील में कभी करीबन 12 कर्मचारी तैनात थे, लेकिन कुछ कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया है और कुछ प्रमोट हो गए हैं, जिसकी वजह से यहां केवल एक तहसीलदार और एक सहायक ही आज मौजूद हैं। यही वजह है कि 12 कर्मचारियों का कार्यालय केवल दो लोग संभाल रहे हैं और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।